आजकल के लड़के भी ना, कब आएगा, कब से बैठी हूँ, कब आएगा, कब आएगा। कहाँ है, कहाँ आ, ये रे आ गया। अनजान बने, अनजान बने। अच्छा चलो अनजान बनते, अनजान बनते हैं। दिखाती हूँ मैं, फोन पे बिजी हूँ, फोन पे बिजी हूँ। चलो अनजान बने, चलो अनजान बने, इधर उधर देखता हूँ। सही है, हाँ अब चलता हूँ। हेलो, हाय। फोटो से ज्यादा फिल्टर तो तुम्हारे फेस पे लगे हुए हैं, नाइस। ओह थैंक यू, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस देख के भी मुझे रणवीर सिंह के कुत्ते की याद आ गई। परफ्यूम, रूम फ्रेशनर लगाया क्या? और तुम्हारे फेक सनग्लासेस अंदर स्टेशन घाट को पर 150 का। वैसे तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें फोर्सफुली यहाँ पर भेजा, करेक्ट? अब तुम जैसे चूतियों के साथ तो मैं अपनी मर्जी से नहीं मिलने आऊंगी ना। वहाँ मेरा बॉयफ्रेंड बैठा है। कौन, ये छपरी? ये तो डेट पे भी तुम्हें विमल खिलाता होगा, गिफ्ट भी विमल ही देता होगा। अब तुम्हारी तरह नहीं है, खाली हाथ नहीं आता, जब भी आता है गिफ्ट लेके आता है। तो मुझे लगता है कि सही टाइम है शो ऑफ के लिए, तो लेट मी जस्ट शो ऑफ। मेरा महंगा फोन, मेरा भरा हुआ पर्स। नाइस, लेट मी आल्सो शो ऑफ। वेटर, मैं पहले बता देता हूं आपको कि यहां सबसे सस्ती ड्रिंक पानी है। वेटर, मेरे लिए एक ऐसी ड्रिंक लाओ जो मैंने कभी पीना हो और इसने कभी नाम भी ना सुनी हो। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अदरक वाली काली चाय पीऊं, पर क्योंकि मैं डेट पर हूं तो कॉफी, कड़वी कॉफी, इतनी कड़वी कि दारू के लिए इज्जत बढ़ जाए। चलो अब तुम्हें नीचा दिखाना है तो क्यों ना अब एजुकेशन की बात कर ली जाए। वाह नाइस, तुमने भी हर लड़की की तरह स्कूल और कॉलेज में टॉप किया होगा। ऑफ कोर्स यस। किस में, बंक मारने में? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि लिपस्टिक के पीछे काले होंठ छुपा रही हो ना तुम, ये सब बताते कि तुमने किस में टॉप किया है। अच्छा, यहां तक बात आ ही गई है तो अब वर्जिनिटी के बारे में अभी पूछोगे या रोका के बाद? अरे नहीं, फर्स्ट डेट में वर्जिनिटी के बारे में बात करके अपना इंप्रेशन थोड़ी खराब करूंगा। अब मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ये पूछते ही क्यों हैं। मतलब सीरियसली, तुम्हें लगता है कि अब कोई वर्जिन होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। Now don't tell me, हाँ, कि you are a virgin। अरे नहीं, मैं अब हूँ तो नहीं, मैं मगर बोलना तो यही पड़ता है ना। हाँ, बोलना तो यही पड़ता है। वैसे तुम्हारी डांस वीडियोस देखी मैंने अभी पे, महिला संगीत की तैयारी अभी से शुरू कर दी। मैंने भी तुम्हारी वो टिकटॉक वाली वीडियो देखी। घर में वॉशरूम नहीं है जो वहां हगते हो? अच्छा, मुझे तो लगता था कि बाप से पैसे लेकर फोटोशूट करवा कर इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स खरीद कर खुद को ब्लॉगर कहने वाले लोग ज्यादा हगते हैं। क्या इंस्टा हैंडल है तुम्हारा? देखो मैं ज्यादा गाली तो देती नहीं हूँ, पर सुना है कि तुम इंजीनियर हो। हाँ इंजीनियर हूँ, तभी तो तुम्हारे साथ आयो डेट। और कुछ खाऊं? नथिंग। अरे ऑर्डर कर दो, मैं तो 5 बार यहीं से निकलूंगा और बार बार उंगली कर लूंगा। तुझे लगता है इस पे इससे ज्यादा खर्चा करना चाहिए? तो बिल? हाँ, और अच्छा होगा कि एक बार में बिल आप ही दे दो, नहीं तो पहले मैं का नाटक चलेगा और हैंड में पे आप ही होगा। वेट, आई एम द शोले गर्ल, आई विल पे द बिल। ओके की बॉय, मुझे अब सिगरेट की तलब लगने लगी है यार। तो चले पीने? चलते हैं। लाइटर है? क्या बात है, चाची का माल है। सूंघते ही पहचान लिया तुमने तो। अब शादी के लिए तुम मना कर रहे हो या मैं? तुम ही करो, मैं करूंगा तो जज कर लेंगे घर वाले तुम्हें। पॉइंट है, वैसे स्मोकअप के लिए तो मिल सकते हैं। ठीक है, चले चलो। हाय गाइस,
तो आज का हमारा वीडियो था ये ऑनेस्ट डेट। आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे हमको बताएं कि आप कितने ऑनेस्ट रहते हैं जब आप किसी के साथ डेट पे जाते हैं तो। जी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपके साथ क्या क्या घटनाएं हो चुकी हैं। कमेंट में बिल्कुल बताएंगे ही। और ये एक और वीडियो आया जिसमें मैं वेटर कैरेक्टर कर रहा हूं, तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। RVCJ।